तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आर्किटेक्चर स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस सेक्शन। अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं पावर बीआई में डेटा विजुलाइजेशन का है, कि हम विजुलाइजेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। इसकी पूरी सिक्वेंस सीधी वीडियो चाहिए शुरू से अंत तक, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप की डाउनलोडिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विजुलाइजेशन हमारा आज का टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जब लेते हैं तो सबसे पहले जानिए लाइन चार्ट का यूज होता क्यों। मैं लास्ट से बताया था कि कॉलम चार्ट या बार चार्ट का यूज होता है कंपेयर के लिए। मुझे एक लेजेंड के साथ दूसरे लेजेंड को कंपेयर करना होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं लाइन चार्ट किसके लिए। हम लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं फ्लो देखने के लिए। जैसे मुझे डेट बाय या मंथ बाय अपने सेल्स का फ्लो देखना है, तो मैं डेट को यहाँ रखा और इसके अंदर हमने अपनी क्वांटिटी को रख दिया। तो डेट मल्टी ईयर का है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं मंथ वाइज कर दूं, यहां से डेट हटा देता हूं, क्वार्टर हटा दिया, तो मंथ, ये आपका मंथली सेल्स का फ्लो है। सेल्स का फ्लो दिखाता है कि सेल्स का फ्लो क्या, जब लंबा पीरियड होता है, जैसे मुझे मंथ नहीं डे वाइज चाहिए, मंथ हटा दिया, ये देखिए 31 दिन का चाहिए, तो आपका डे बाय सेल्स का फ्लो दिखा रहा है। तो सेल्स का फ्लो देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट और एरिया चार्ट, इसमें दोनों फर्क नहीं है। एरिया चार्ट में देखिए इस तरह के एरिया कवर होता है, और लाइन चार्ट में ये लाइन कवर होता है, दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब यहां हम ना फॉर्मेट और विजुअल पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे कई सारे फॉर्मेटिंग है, एक्सिस की सेटिंग्स है और वाई एक्सिस की सेटिंग है। उसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस भी है, जो कि नहीं है, मैंने डाला नहीं है। सेकेंडरी एक्सिस जो यहाँ पे एक्सिस बनते हैं वो सेकेंडरी एक्सिस कहलाता है। लेजेंड इसके अंदर लेजेंड नहीं है, सिर्फ डिसेबल है, क्योंकि लेजेंड होता नहीं। स्मॉल मल्टीपल्स भी डिसेबल है, क्योंकि भी डाला नहीं, तो डालूंगा बताऊंगा। तो बात करते हैं ग्रिड लाइन, जो ये लाइनिंग दिख रही है इसकी फॉर्मेटिंग है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोस्टली फॉर्मेटिंग जो है सबकी सेम होता है। जूम इनसाइडर कर दिया आपने, इसके अंदर जूम का ऑप्शन आता है, जिसको आप इस तरह से अपने सेल्स को जूम कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हेडिकल हटा के सिर्फ शो डेट कर देता हूँ। अब शो डेट में 4 साल का डेट हो गया, तो ये देखना मुश्किल हो जा रहा है ना कि कौन सा डेट क्या है। तो ये आपका देखिए, देखिए आपका मंथली आ गया इस तरह से। मान लीजिए मुझे 2024 का देखना है, तो 2024 भी इसको लेके आइए, ठीक है। ये जून इनसाइडर का काम होता है रिपोर्ट को क्लियरली देखने के लिए। तो लिए। हाँ नहीं बताता हूँ, और सुनिए ये पहले इस चीज को समझिए, ये आप डेट हेरिकली जो है आपको प्रॉब्लम है इस वजह से, आपके आप समझे नहीं है। देखिए क्या होता है कि अब टेबल में समझाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेट को रख दिया, तो डेट ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है, इसमें ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, ठीक है। तो अगर 1 साल का आपको ईयरली रिपोर्ट चाहिए, तो बाकी को यहां से हटा दीजिए। आपको मंथली चाहिए, तो बाकी हटा, और मैंने जो रखना है उसको क्लिक कर क्रॉस कर देना, फिर बाकी को क्रॉस कर दे, जो हट जाए। तो डेट क्या होता है, हाइरकल हो जाता है, इस तरह से ग्रुप हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये अगर मान लीजिए मुझे अपनी रिपोर्ट को एज अ डेट देखना है, नहीं मुझे इस तरह से हाइरकल ही नहीं चाहिए, ग्रुप नहीं चाहिए, ये वही सिंपल से 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020 ऐसे पूरा डेट दिख जाए, ऐसे केसेस में क्या करता हूँ कि इस डाउन एरो के निशान पे जाके यहाँ पे डेट हेडिंग के जगह पे डेट सेलेक्ट कर, क्या आ जाता है डेट। अब जैसे डेट में जीरो जीरो क्या लगा है, तो टाइम है, क्योंकि हमारा डेटा के अंदर जो डेट है ना, वो डेट का फॉर्मेट डेट एंड टाइम है, ठीक है।
अब मैं कॉलम टूल्स में आके डेट एंड टाइम के जगह पे मैं सिर्फ डेट ले लेता हूँ, तो ये जो 0-0 का सिस्टम है ना ये हट जाए, हट गया। अब यहां भी हट जाए, नहीं हटा, एक बार हटाइए और दोबारा इसको रखिए और इसको हेरिकल डेट कर, ये हट जाए तो जाता है, हटा क्यों नहीं? ओ सॉरी माय बैड, हमने जो चेंज किया वो चेंज किया है दिल्ली में, हमें अलग अलग डेटा है ना सर, C1 पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ C1 से लेता हूँ, मैं चेंज C1 में किया ना, ठीक है, और यहां से हेरिकल डाल दीजिए। समझ में आया आपको कि क्या होता है डेट हेरिकल और डेट? तो दिक्कत किसी को नहीं था, लेकिन जो हमने लाइन चार्ट पे कन्वर्ट किया था वो हमने जो पहले हाँ, नहीं किया चाहे वो टेबल हो, चाहे वो टेबल हो या कॉलम हो या कोई भी विजुलाइजेशन हो, अगर आप डेट को रखते हो तो है वो डेट आपका ग्रुप में हो जाए, बाद में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, सब में होता है। टेबल पर समझाता है कि डेट दिखे, अब इसी को मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी क्वांटिटी डालता हूँ, तो देखिए डेट वाइज आया इस तरह से, और मैं इसको हेरिकल कर दूं तो इस तरह से आएगा, देखिए ईयर वाइज आया, ईयर मंथ क्वार्टर आया, डेट कर दो डेट वाइज आया, तो ये आपका रूम साइड है। इसके बाद लाइन होता है, जो लाइन है इस लाइन की जो कलर है वो सॉलिड रखना है या डॉट डैश डॉट रखना है, डॉट डॉट रखना है या डॉटेड रखना है, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये राउंड कर्व क्या चाहिए, राउंड चाहिए बिगल चाहिए, ये तो रही नहीं दिख रहा है, ये तब दिखेगा जब छोटा डेटा होगा, बड़े डेटा में फर्क नहीं पड़ता है। इसकी मोटाई की जो लाइन है इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसका कलर, कलर की जगह पे मान लीजिए कोई और कलर चाहिए तो कोई और कलर ले लीजिए, वो कलर आ जाएगा। सेड एरिया को ऑल ऑफ ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए, इस तरह से सेड एरिया आ जाएगा। मार्कर, इस तरह से मार्कर आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ इसको समझा और अच्छा समझाने के लिए इसको डेट को हैरी कर ये कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्कर देखिए ऑफ करेंगे तो देखिए जो था मार्कर हट गया, और गोल राउंडेड है, ये आपको कौन सा मार्कर चाहिए, मुझे ए मार्कर चाहिए या इस तरह का मार्कर चाहिए, मार्कर के साइज यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, मार्कर कलर जो है डिफॉल्ट कलर मुझे चाहिए कोई और कलर, जैसे कि मैं ब्लू चाहता हूँ तो ब्लू हो जाए, तो ये चीजें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसे डेटा लेवल ऑन कीजिए, डेटा लेवल ऑन आ जाएगा, डेटा लेवल ऑन के और जो फॉर्मेटिंग है वो आ जाएगी, सीरीज लेवल ऑन करेंगे तो सीरीज का लेवल ऑन हो जाएगा, ओके। और जो प्लॉट की बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड को आप कुछ करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कर सकते हैं आप, सिंपल सा। अब इसमें एक काम करता हूं कि मैंने सम ऑफ क्वांटिटी रखा है वाई एक्सिस में, और इसमें मैं ना मान लीजिए कि MRP एवरेज ऑफ MRP रख देता हूं। अब यहां पे दिक्कत क्या होगा कि जैसे यहां मैंने लिख दिया एवरेज, तो इसमें मेरा एवरेज इतना नीचे चला गया तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा एवरेज MRP को सेकेंडरी एक्सिस में रख, तो सेकेंडरी एक्सिस में रखने से क्या होगा कि इधर जो है आपका आ गया किसका सम ऑफ क्वांटिटी का, और इधर जो आ गया आपको एवरेज ऑफ MRP का, तो एक ही चार्ट में दो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी अब यहां पे देखिए समझिए कि अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये क्वांटिटी दिख रहा है ना मुझे, मुझे इसमें एवरेज ऑफ MRP दिखाना है, तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि आपका 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख 1 लाख के आसपास है ना, आप इस पे मैं अपना एवरेज ऑफ MRP रखता हूं तो MRP तो कुछ 100 है, 200-300 है क्या, तो अगर मैंने इसको वाई एक्सिस में रख दिया तो ये 0 पे आ जाए, इस पे आ जाएगा या देखिए 0 पे,
आ गया, इसे पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है। 2 मिलियन, आप क्या समझेंगे इसमें कि 2 मिलियन तो नहीं है, 3 मिलियन तो नहीं है, ये नहीं समझेंगे सर, यहाँ क्या समझेंगे आप बताइए। तो इसमें एवरेज सेल्स का नहीं रहा है क्या? एवरेज सेल्स ही टोटल सेल्स है तो उसके अगेंस्ट भी सेल्स डाल सकते हैं। अब यहां तक कैलकुलेशन जो मर्जी कर लीजिए ना, जो फील उठाइए, जो करना कर लीजिए, समझ गया। मैं यहाँ पे वो अलग चीज है, वो बता आप जो बोल रहे हैं वो अलग चीज है, उस बारे में आता हूँ। पहले यहां समझिए कि हम सेकेंडरी एक्सेस का यूज कब करते हैं। अब यहां देखिए, मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी इमारती यहाँ नीचे आ रही है, बट यहाँ ये क्वांटिटी हमारी है, बट इमारती में कुछ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तो इमारती जो है कुछ 100 है, जैसे 249 है। अब ये समझिए कि मिलियंस में 249 की कंपेयरिंग दिखेगी। तो मैं चाहता हूं कि ए जो एक्सिस है जिसमें 20K, 40K, 50K, 60K, 120K, जहां से पता चल रहा है हमें, ऐसा ही मुझे एक और एक्सिस यहां बन जाए। ऐसे केसेस में हम एमआरपी को चले डाल देते हैं सेकेंडरी एक्सिस में, जिसका इधर तिल बन जाता है। मतलब कि आप दो अलग, अगर आप ऐसा ना करें तो आपको दो अलग अलग चार्ट बनाने पड़ेंगे। एक चार्ट लाइन चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए और लॉगिन के हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी हमने रख दिया। और डेटा हमने तो लिया हुआ, फिर तो नहीं लगा इसमें, तो फिल्टर लगा हुआ, फिल्टर लगा हुआ। और एक चार्ट फिर मुझे वापस लगाने होंगे, किसके लिए? एमआरपी। यहाँ वापस डेट को रखते हैं, या वापस यहाँ पे अपनी एमआरपी रखते हैं, एमआरपी का एवरेज करते हैं। और आपके ऊपर है कि आप ये दो अलग अलग चार्ट लगाएं या एक ही चार्ट में दो यहाँ पे दे। समझे? हाँ वो समझ में आ गया, लेकिन अभी जैसे कि आई थिंक डेटा में एक दो तो अलग अलग स्केल है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मिलियंस रिकॉर्ड को 100 के रिकॉर्ड से। जी हाँ, सेकेंडरी एक्सेस लगाने का पर्पस यही होता है हमारे पास कि अगर दो फील्ड को अगर आपस में कंपेयर करते हो, दोनों फील्ड के अंदर में काफी ज्यादा गैप है, तो ऐसे केस के लिए सेकेंडरी एक्सेस। तो एक बार जो बोल रहा हूँ, जो अभी पहले चार्ट में अगर हम देखेंगे 129K से ऊपर के जो भी रिकॉर्ड है उसका डिफरेंस था, वो वैल्यू के बीच में दिखे नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे कि जो मैक्सिमम रेंज है माल सेल्स का 129K 3 दिख रहा है ऊपर, 3 डॉट्स जो है। हाँ इसकी बात कर रहे हैं। हाँ अगर तीनों का कंपैरिजन देखना है अपने को, तो फिर वो हो सकता है कि ये 1 मिलियन हो सकता है कि 0.5 मिलियन हो सकता है 0.25। तो ये तीनों का डिफरेंस अपने को नहीं दिख रहा है, तो मतलब अगर देखा जाए तो इस चिंता को ये चिंतु देखिए, ये एक मिनट, हम डिफरेंस चार्ट का, इसका लाइन चार्ट का यूज डिफरेंस के लिए नहीं करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं हम किसके लिए? हम फ्लो के लिए। ये फ्लो दिख रहा है क्योंकि ये हमने यहाँ देखिए, हमने ईयर दिए, देखिए सुपर। डेटा बहुत ज्यादा है ना, उसको कैसे यहाँ पे कंपेयर करेगा, नहीं समझ में आया। डेटा आपका मिलियंस में है, अगर आपको पूरा एग्जैक्ट फ्लो देखना है तो इसी के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या बोल रहे हैं, जूम इनसाइडर। अब जूम इनसाइडर को आप यहाँ पे जूम कीजिए, देखिए पूरा फ्लो दिखेगा, पूरा आपको दिखेगा कि कंटेंट कितना हुआ है, ठीक है आपको? हाँ, ये चेक भी तो इतना बड़ा गैप हो, मैं समझ गया हूँ जो आप बोल रहे तो हैं, बात यह है ना, समझना इजी होंगे। देखिए क्या है कि 150 और 120 के बीच में दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो गैप ये जो देखिए ये मिलियंस में है, तो मिलियंस में अगर 1-2 मिलियन का फर्क होगा तभी ना ऊपर नीचे आएगा, अगर तो कुछ पॉइंट का फर्क होगा तो कैसे ऊपर नीचे आएगा? अब 1 और 2 और 3 है,
अगर इसमें अगर अगर ऐसे मैं करूंगा, ठीक है वो समझ में आ रही। मैं बोल रहा हूँ सर अगर ना कोई ऑप्शन ले रहे हैं तो अगर लिविंग लेता रहेगा तो ज्यादा मुश्किल समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो इससे हाँ कोई जो मतलब स्ट्रेट ठीक लाइन दिख रही होगा। है तो एक काम करते हैं इसको हम जो है एक मिनट इसको हम प्रोडक्ट में रखते हैं। क्योंकि अभी तक का मैं अपना मतलब एक बताऊंगा कि मतलब कोई डिफरेंस ज्यादा मतलब उसके लिए डेटा अगर रिलेवेंट रहेगा तभी डिफरेंस क्रिएट हो गया था फिर। क्या बोल रहे हैं सर? सैंपल सुपर स्टोर डेटा है, इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स है, सेल्स प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, तो ये डेटा आ जाए, ये डेटा का रिलेवेंट है। चलिए मैं दिखाता हूँ। मैंने डेटा चेंज कर, चलिए डेटा हमने यहाँ पे राइट। तो मान लीजिए कि मुझे आपके सिटी के हिसाब से सेल्स चाहिए, लाइन चार्ज। तो सिटी यहाँ से हमने अपना सेल्स को रखा वाई एक्सिस में और सिटी को रखा यहाँ। अब दिख रहा है सर? तो जब भी कोई अब कहने का मतलब यह है कि आपके पास कंपनी के अंदर भी ऐसा थोड़ी होता है डेटा ऊपर नीचे जाएगा। डेटा जब आप एक लॉन्ग डेटा देखेंगे तो फ्लो आपका उसी तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हाई मेरे पास जो टॉप सिटीज है ये रहा, बाकी जो सिटीज नॉर्मल आपस में सेल हो रही है। और सिटी इतना ज्यादा है क्योंकि पावर बीआई का रिपोर्ट जो आप बनाएंगे तो उसमें आपको जो है भी देखिए यहाँ पे कंप्रेस आप दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? या नीचे डाउन आया, फिर डाउन आया, फिर डाउन आया, फिर डाउन। तो आप ये जो लाइनिंग जो बनेगी वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर डेटा जो है वो डेटा का कितना ज्यादा लेजेंड्स है, लेजेंड्स के हिसाब से बनेगा। समझे? जो लेजेंड होगा वो लेजेंड्स के हिसाब से बनेगा। अगर मैं इसके अंदर स्टेट रखता हूं, देखिए स्टेट रखता तो लेजेंड के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस के बारे में समझे, सेकेंडरी एक्सेस क्या होता है मैं उस पर डिस्कस कर रहा था। ये सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत सेकेंडरी एक्सेस में? नहीं सर, सेकेंडरी एक्सेस का तो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो लाइन तो एक्सप्लेनेटरी है। तो हमको वैल्यूज के बीच में अगर सीरीज है उसको कंपेयर करना है तो हम ये इस ऑप्शन यूज करते हैं। तो क्लियर था बट नहीं, बस बोल रहा था कि अगर रेगुलर दिखा रहेगा और ज्यादा क्लियरिटी आ गया वो तीनों ऑप्शन को समझ में आ गया। मतलब सेकंड जो अपने पास ऑप्शन है देखिए इसका जो लाइन चार्ट का यूज होता है मोस्टली कंपेयर करने के लिए होता है, इसका ध्यान रखें। कभी भी यूज करते हैं हम लाइन चार्ट का यूज कंपेयर, और लाइन चार्ट का यूज वहीं पे होता है जहां पे डेटा बहुत ज्यादा होता है, समझ गए? उसको अगर मान लीजिए इसी को अगर मैं कॉलम चार्ट के अंदर रखता हूं तो देखिए कुछ इस तरह से दिखता है कॉलम चार्ट। अब या फिर जो इससे पहले जो लाइन चार्ट हमने बनाया था इसी की बात करें इसकी, आप इसको मैं अगर कॉलम चार्ट में रख दूं तो आपको ये ईयरली है इसलिए सिंपल दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको मंथली करूंगा, यहां से क्वार्टर हटा दिया, मंथली किया, अच्छा। एक बार वैल्यू हटा देने पर उसको मतलब रिडीम कैसे करते हैं? जैसे अर्ली आपने कट कर दिया लेकिन फिर से मैंने कोई अर्ली नहीं दिया, फिर ऑप्शन लेकर के सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं, अगर ऑप्शंस। ये आप ऐसा है तो फिर आपको क्या करना होगा कि एक बार इसको डेट में जाके फिर वापस हेरिकल करना, ठीक है? तो कब जब डेटा हमारे पास ज्यादा हो, जैसे मान यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे हेरिकल कर डेट कर दिया नॉर्मल, देखिए इसमें मेरा लाइन यहाँ यहाँ पे कॉलम चार्ट को समझ में आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा ना? लेकिन जब इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारा सेल जो है
हमारा जो एमआरपी जो है एवरेज, वो हमेशा 200 से 300 के बीच में, बस यही समझना होता है लाइन चार्ट कि पूरे साल 2020 से 2024 के बीच में जो सेल हुआ है हमारा, वो मोस्टली सेल हमारा 2030 में हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 100 से नीचे एमआरपी कभी नहीं गया है और 400 से ऊपर कभी नहीं गया, मतलब कि 300 के नियरेस्ट ही रहा। अब इसमें आपको कंपेयरिंग में दिक्कत हो रही है, क्योंकि तो अगर डेटा में तो यहाँ आप अपना एक्सिस जो आपका वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अंदर है आपका, तो एक्स एक्सिस कंटिन्यूअस हो गया, अभी मैं इसको वाई एक्सिस करता हूँ, ये रहा मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम जो है ऑटोमेटिकली ऑटो ले, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शंस है, मतलब क्या हुआ? ये जो यहाँ मिनिमम 100 है, मैक्सिमम 400 है ना, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम 0 कर दिया और मैक्सिमम कर दिया 1000, तो 1000 का स्लैब बन जाए। और इसके बीच का गैप जो है ना, वो गैप जो है जितना बड़ा साइज देंगे ना, उस साइज से वो गैप ऑटोमेटिक कम और ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। अभी 200 का गैप आया, उससे पहले क्या गैप था, 500 का गैप था। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम कर दी, यहाँ पे मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मतलब किस चीज पे रहा है हम लोग, सेल्स पे रहा है कि आप चार्ट की इस वाई एक्सिस के बारे में नहीं जानते हैं क्या होता है? वाई एक्सेस मतलब ये जो सेल्स अपना देख रहे हैं। जी, ये तो आप स्टैटिक्स के अंदर पढ़ना चाहिए। जब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई चार्ट बनाते हैं, देखिए समझिए चार्ट, तो या पेन पेपर पे चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक मैं पेन पे बनाता हूँ, आपको समझाना पड़ेगा फिर से वापस 10th क्लास, 9th और 10th क्लास का चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरा ईयरली ईयरली बेसिस पे सेल है, या मंथ ईयरली बेसिस पे सेल है, राइट। तो सबसे पहले तो एक लाइन होगा, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये जो लाइन होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स, एक्स नहीं वाई बोले, एक्स बोलेंगे। ओके और यहाँ ये जो लाइन आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई, बोलते हैं ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके अलग अलग पॉइंट्स पे सेल है ना, यहाँ पे आपका जैन का है, जैन है, यहाँ पे आपका फैब है, राइट। तो कहने मतलब फैब में 500 हुआ है, तो मुझे यहाँ स्केल बनाना पड़ेगा ना, 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, 500, तभी तो फैब में 500 पॉइंट जाए, तो ये स्केल होता है। तो ये जो मिनिमम मैक्सिमम है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को देख रहा है, ऑटोमेटिकली कि आपका डेटा क्या है, तो डेटा की मिनिमम और डेटा का मैक्सिमम देखिए और उसी हिसाब से यहाँ स्केल तैयार कर, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेल कितना है। जैसे यहाँ पर हमने कर्सर रखा, ये सेल कितना है, ये सेल हमारा 300 से 300 के आसपास का है, समझे। अब एक ए जो है इसके बीच का गैप देखिए 200 का आ गया, जितना छोटा करेंगे जितना बड़ा करेंगे उसके हिसाब से इसका गैप बढ़ेगा घटेगा, समझे। तो इसके बीच में जितना गैप होगा ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे उसका कर्व दिखेगा। अब इसके बीच में देखिए 50 और 100 के का है यहाँ पे, ठीक है, आपका 50 के का, 50,000 का, 50 के का, 50,000 का आपका गैप है, यहाँ से 50,000 गैप है। तो इन दोनों सेल के बीच में अगर 50,000 से ज्यादा का सेल हुआ, तभी ना इसके बीच में कर्व ज्यादा दिखेगा, बात समझे। तो अगर मिनिमम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने मिनिमम 100 लिया, तो हाँ अगर मान लीजिए किसी का सेल अगर 98 हुआ है, तो वापस सेल यहाँ पे मैंने मैन्युअली किया ना इस, अगर आपको अगर ऑटोमेटिक रखना है तो आप उसको ऑटो रहने दीजिए जो पहले था। ठीक है, वो तो ऑप्शन है, मेरे को पता है। मैं पूछ रहा हूँ अगर मान लीजिए मैंने हाँ, तो नहीं आएगा ना, मिनिमम अगर ऑटो है तो ये अपने आप को चेंज कर दे, आपने फिक्स कर दिया तो चेंज नहीं करेगा और फिर वो सेल दिखेगा नहीं। वही मैं पूछ रहा था, और ठीक एक्सेसिव वाइन वो सब बेसिक वो भी पता ही है। है, चलिए। तो यहाँ हम लाइन चार्ट पे, अब लाइन चार्ट में एक आता है स्मॉल मल्टीपल्स, ठीक है।
अब स्मॉल मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने रीजन वाइज और नहीं, मैं रीजन नहीं, एक काम करता हूँ, सेल्स को रखता हूँ वाई में और यहाँ अपना रीजन यहाँ ले लेते हैं, रीजन वाइज सेल्स आए, ये मेरे चार रीजन के सेल्स दिखे, ठीक है। अब इसमें एक आता है लेजेंड, लेजेंड मतलब एक ही लाइन हुआ है, मुझे मेरे पास ये रहा मेरा कैटेगरी, तो कैटेगरी को मैंने लेजेंड पे रखा तो क्या हुआ, जितने कैटेगरी उतने लाइंस बन, ठीक है, जितने कैटेगरी उतने लाइंस बन। तो लेजेंड में क्या होता है कि आपको लाइन चेंज करनी है, आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा है, मुझे रीजन वाइज सेल्स देखनी है, रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी, तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लाइन, तीन कैटेगरी है, तीन अलग अलग लाइन बना, और तीन से ज्यादा कैटेगरी हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे सब कैटेगरी हो गया, यहाँ पे सब कैटेगरी को रखें लेजेंड, तो देखिए सब कैटेगरी में बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, लेकिन मान लीजिए कि मुझे लाइन इस तरह से अलग लाइन ही बनाना है, मुझे अलग अलग चार्ट ही बनाना है, मुझे तीन मेरे कैटेगरी है तो तीन अलग अलग चार्ट, हर कैटेगरी का अलग चार्ट, तो मैनुअली एक एक करने के बजाय हम अपनी कैटेगरी को उठाएंगे और रख देंगे यहाँ स्मॉल मल्टीपल्स, कैटेगरी उठा कर रख दिया स्मॉल मल्टीपल्स, सॉरी स्मॉल मल्टीपल्स में क्या होगा, दिखा, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं दिखा क्योंकि डेटा रिलेवेंट नहीं, जैसे आपने बताया, एक मिनट रिलेवेंट डेटा लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं स्मॉल रीजन को स्मॉल मल्टीपल्स में, स्मॉल मल्टीपल्स में हमेशा कौन सा फील्ड रखाता है जिस फील्ड का एक कम हो, लेजेंड कम हो, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं यहाँ रीजन को स्मॉल मल्टीपल्स, दिखा दिखा है सर, अब तो जितने रीजन थे उतने लाइन्स, अब ब्लैंक है इसलिए क्योंकि इस रीजन में सेल नहीं है, सारे 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 फील्ड में सेल नहीं है, अगर मेरे को यहाँ पे एक फिल्टर डालना है कि जो टॉप 5 सिटीज है, ये नीचे का जो वैल्यू है, कैटेगरी है ना, अगर मेरे को ऐसे में जो कैटेगरी है ना, मेरे को टॉप 5 कैटेगरी को ही मेरे को फिक्सराइज करना है, तो यहाँ पे फिल्टर है क्या जो कंट्रोल कर सके इसको? देखिए अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे सेल्स को रखा और रख दिया फिल्ड का, यहाँ पे फिल्ड और दिस विजुअल हमने यहाँ पे राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पे टॉप इन दिख रहा है, इस टॉप इन पे जाइए और मुझे टॉप 5 अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई इससे फिर अपने को थोड़ा कम डेटा दिखेगा तो डिफरेंस समझ में आता है। तो ये टॉप 5 लगा सकते यहाँ पे तो टॉप 5 नहीं हैं, सेल्स को यहाँ रखा, एडवांस फिल्टरिंग में गए टॉप 10 और ये हो ले रहा, और यहाँ हमें टॉप 10 पे आते हैं, तो शायद डेटा ना, और बाय वैल्यू मतलब किसके रिगार्डिंग आपको टॉप 5 चाहिए, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ क्वांटिटी में मैंने बोला कि फिल्टर टाइप टॉप रेंज टॉप 5, एक मिनट, अगर मैं इस पे कोई फील्ड रखता हूँ, मान लीजिए सिटी रख दिया,
एक्सीलरेटेड डेटा नहीं, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा आपका डेटा। तो क्या दिक्कत हिमांशु जी, क्या दिक्कत आ रही है, मैं क्या रिलेवेंट डेटा क्या बोला मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब कि इस डेटा में क्या है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब जब आप ऑफिस में यूज करेंगे तो क्या लग रहा है कि जितने भी आपके लेजेंट होंगे सबसे रिलेटेड डेटा होगा, हर कंपनी के अंदर 100 प्रोडक्ट है तो क्या लग रहा है 100 प्रोडक्ट सेल होता होगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे सेल नहीं होते होंगे या बहुत कम होते होंगे, तो उनका चार्ट पे आपको डेटा थोड़ी दिखेगा। और दूसरी चीज, अगर आपको विजुलाइजेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रही है डेटा, तो फिर आप जिस तरह के डेटा पे बनाना चाहते हो, क्योंकि डेटा आपको रॉ डेटा मिला। अब आपको आगे चल के आपको मैं डैक्स फंक्शन इसलिए तो सिखाऊंगा ताकि डैक्स फंक्शन की मदद से डेटा, जिस जो डेटा चाहिए जिस पे आपको एग्जैक्ट आपकी विजुलाइजेशन तैयार करनी है, वो डेटा कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन के लिए फिर आपको डैक सीखना। तो यहां स्मॉल मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि आप अलग अलग, मतलब अगर मान लीजिए सिटी वाइज या कुछ ऐसा चार्ट आपने बना रखा है, उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी सेम चार्ट को मुझे अलग अलग रीजन्स या अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग चीजों के लिए चाहिए, तो उस फील्ड को उठा के आप रख दीजिए कहां, स्मॉल मल्टीपल्स। यहां आइए, ये रहेगा स्मॉल मल्टीपल्स। इस स्मॉल मल्टीपल्स में रखेंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग चार्ट्स तैयार हो जाएंगे जो आप रखेंगे उसके हिसाब से, चाहे जो भी आप, जो डेटा होगा उस हिसाब से दिख जाए। तो ये दोनों चार्ट जो दिख रहा है इस स्टैक चार्ट में, इन दोनों में कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा जब आपका चार्ट जो है सिंगल में। अब इसमें अगर हम लेजेंड डाल देते, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि अपनी कैटेगरी को मैंने इसके अंदर लेजेंड के अंदर डाला, तो ये देखिए जितने लेजेंड होंगे उतनी ये अलग अलग इस तरह के लाइंस क्रिएट करें इसमें। तो ये जो एरिया का क्या हो रहा है, हम और भी कैसे करें, लेकिन कलर है ना, इसलिए कलर छुपा हुआ है, कलर ओवरराइट हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो चार्ट आपका है, ये जो आप लेते हैं 100% स्टैक चार्ट, ये आपको दिख रहा है स्टैक चार्ट जो दिख रहा है, इसमें ओवरराइट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ओवरराइट है नहीं, एक दूसरे के ऊपर लेयर बन, जी हाँ एक दूसरे के ऊपर लेयर क्या रीड करते। अब देखिए रीड करने का मतलब क्या हुआ कि ये आपको इसके 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 लिए आपको समझना होगा, ए चार्ट दिख रहा है आपको, ए चार्ट क्या किया था, इस चार्ट ने टोटल जैसे कि न्यू सिटी में जितने सेल थे उस सेल का पूरा एक बार बनाया, और उसके अंदर कैटेगरी के लेजेंड, जो लेजेंड था उस लेजेंड के हिसाब से क्या कर दिया, तीन अलग अलग पार्ट कर दिया ना। सेम चीज ये यहाँ पे करता है लाइन कि ओवरऑल सेल जो हुआ ऊपर इतना होगा 3500। अब 3500 में ये आपका पार्ट हो गया किसका, फर्नीचर का, ये जो पार्ट हो गया किसका हो गया आपका, टेक्नोलॉजी का, ये पार्ट किसका हो गया आपका, ये आपका अलग हो गया ऑफिस सप्लाई का हो गया, ठीक है ना। ये आपका इसका है, ये फर्नीचर है, ये ब्लू है ना, देखिए आप इस तरह से हो, इस तरह से रीड करते हैं। नहीं वो तो हो गया, लेकिन किस बेसिस पे, कितने ऊपर डालना है, किस बेसिस पे कर रहा है, ये ऊपर, और यहाँ देखिए आप यहाँ समझिए, यहाँ इसको समझ रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी का सेल 3500 है, राइट। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हमने तीन प्रोडक्ट सेल किए, तो तीन अलग अलग कलर दिखा दिया, और कलर का पोजीशन उसके सेल के हिसाब से बड़ा और छोटा है, समझ में आया। तो
लाइन चार्ट जब मैंने जब इसको स्टैक चार्ट किया तो ये भी सेम है, यहाँ पे आपको 30 के आसपास है ओवरऑल। तो आप जब आप उसमें सुनिए सुनिए, जब इसको देखिएगा ना तो आप इसको एक एक लाइन को नहीं दिखिएगा, यहाँ ऊपर वाला लाइन के हिसाब से चलेगा और ऊपर वाला लाइन के हिसाब से तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, बिल्कुल सेम उसी के तरह से। डिवाइड हो गया वो भी क्या, वो डिवाइड होने से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो इनसाइड निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, क्योंकि अगर एक्सिस पे आपको 3000 के ऊपर टेक्नोलॉजी का दिखा रहा है और आप कवर करने के बाद जो कंप्लीट आता है उसमें 600 ही दिखा रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब किधर से कैसे किधर से शिफ्ट करेंगे इसको। सर आप बात नहीं समझे, यहां समझिए, इसको हम इस तरह के चार्ट में लगा सकते हैं, इसमें क्या होगा तीन अलग अलग चार्ट दिखता है। तो हमारे बॉस का कहना है कि मुझे अलग अलग चीजें नहीं देखनी है, मुझे ओवरऑल दिखाओ, लेकिन मेरी जरूरत पड़ सकती है तो मैं तीनों को अलग भी देख सकता हूँ। बात समझे, कि मुझे यहां दिखाओ कि मेरी ओवरऑल सेल क्या हुई है, सिटी के हिसाब से ओवरऑल सेल क्या हुई, मुझे कैटेगरी मैटर नहीं करता है, बट मैं हो सकता है कैटेगरी देख लूं। ऐसे केसेस में हम इस तरह के चार्ट का यूज, स्टैक चार्ट का यूज करते हैं। स्टैक चार्ट में क्या होता है कि आपके पास अगर कई सारे लेजेंड्स हैं तो आपको इस कॉलम चार्ट की तरह डिफरेंट डिफरेंट लेजेंड, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम तैयार नहीं करें, वो सिर्फ एक कॉलम तैयार। बात ओके समझे, ओके मतलब यस सर, मतलब कि उस सिटी में उनका कितना भी हाँ, हर सिटी का एक कॉलम स्कोर होगा, और लेजेंड को जब मैं रख दिया तो उस सिटी के अंदर जितने भी लेजेंड की सेल थी, मतलब जो हमारे कैटेगरी का सेल था, उसको उसने डिवाइड कर दी उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए ना कि आपकी 10 टीम है, 10 टीम में हर टीम, हर 10 टीम में सेल होता है और खर्चा होता है, राइट? तो आपके बॉस ने बोला कि बताओ कि कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है इन आउट, दोनों दिखाओ। अगर आपने सिंपल कैटेगरी हटा दिया तो इस तरह से एक लाइन बन जाएगा, लेकिन बॉस ने बोला कि ठीक है इन आउट हुआ, मुझे बताओ इसमें कि कितने इन है और कितने आउट। तो आप अगर दो इन आउट के अलग अलग कॉलम देंगे और आपके पास डेटा ज्यादा है तो समझना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं लेजेंड का। तो लेजेंड क्या करता है कि इसके अंदर कितने इन और कितने आउट है उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से कलर। जैसे कि टोटल सेल 3400 था, देख रहे हैं आप, टोटल सेल हमारा कितना था, 3400 था। इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप याद करेंगे मैंने आपको फॉर्मेटिंग में दिखाया था डेटा लेबल एंड टोटल लेबल, देख रहे हैं आप। तो टोटल लेबल में दिखाया गया सर टोटल सेल हमें 3400, हाँ 3400 हुआ, और उसके अंदर ये सेल्स आपको दिखा रहा है कितने इतने सर हुए। उसके अंदर परसेंटेज एक बार डाल देंगे कि उससे मालूम चलेगा कि आठ परसेंट प्रॉब्लम आ रहा है, 3 परसेंट डाले और कौन सा कितना परसेंट कंट्रोल कर। तो परसेंटेज के लिए आप चाहिए तो फिर आपको ये 100% वाला चार्ट लेना होगा, इसका अलग चार्ट है जिसमें 100% शो करता है। ठीक, नहीं मतलब एक बार मैं जो बोल रहा था करी जो अपना तो उनका क्या जितना पेमेंट हाँ, तो इसमें इसके इसका थी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डेटा लेवल पे अगर मैं गया तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल ऑटो टेक्स्ट ब्लैक, इसके अंदर जो कलर है ना उसके अंदर ही जो डंडी के अंदर ही वो परसेंटेज लिख करके आ जाए। नहीं वो ये चीज नहीं है, इसके अंदर ये चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, टोटल ही आएगा सिर्फ परसेंटेज, इस तरह से डिटेल और गया नहीं, नहीं आ रहा। कि जब हम इस तरह के चार्ट लगाते हैं तो आपका डेटा लेवल यहाँ दिख रहा है, यहाँ बना हुआ दिख रहा है, डेटा लेवल कांट भी श्योर है, दिख रहा है, बट टोटल से वो होगा, ठीक है, परसेंटेज इसके अंदर परसेंटेज शो नहीं हुआ सर। अब परसेंटेज शो करना है तो कहीं इसमें परसेंटेज शो नहीं होगा, क्योंकि तो डेटा लेवल शो नहीं होता है इसमें, डेटा लेवल शो होता है सिर्फ इसमें आपके कॉलम चार्ट में, इसमें डेटा लेवल शो होता है अलग अलग, इसमें डेटा लेवल शो नहीं होता, फीचर्स नहीं आते, ठीक है। और परसेंटेज देखना हो तो परसेंटेज के लिए, अगर परसेंटेज के लिए क्या क्या बोलूं, जो प्रोडक्ट है अपना जैसे कि टेक्नोलॉजी है आपका ऑरेंज है, मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज वाला जो शेड है ना नहीं करके नहीं नहीं ये चीजें, ये चीजें नहीं, आप ये चीजें नहीं कर सकते यार।
आपका जो लेजेंड है ये देखिए, आपका यहाँ लेजेंड की फॉर्म है, ये रहा आपका लेजेंड। देखिए पावर बीआई में फिक्स है ना, आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर, अपने हिसाब से चेंज करना है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं, एक्सेल यूज करना पड़ेगा, एक्सेल में ऐसा हो सकता है, बट यहाँ लेजेंड्स अपने जगह पर रहेंगे। ठीक है, अगर इसको रिबन फॉर्मेट में करना है तो रिबन फॉर्मेट में हो जाएगा। तो जैसे ये आपका स्टैक चार्ट है और ये चार्ट दोनों बराबर है, अगर यहाँ पे अगर मैं 100% वाला कर दूं तो इस तरह से क्या होगा, 100% का कंट्रीब्यूशन आएगा। और इसके अंदर हम डेटा लेवल ऐड करते हैं, एक मिनट सी बताता हूँ, और सी के अंदर नहीं, डेटा लेबल ऐड नहीं, जहां दिखना होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा लेबल दिखना होगा तो दिख जाएगा। ठीक लाइन चार्ट पर वापस आते हैं, और वहां पे अगर मान लीजिए मेरे को जैसे कि आप मेन और मैक्स डाल रहे थे, मेन चलिए वहां पे मेन और मैक्स पे जो भी मैंने उसमें टू ऑफ सेल्स देख रहा, जो भी वेरिएशन आ रहा, उस वेरिएशन के टॉप और पे एक अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हाँ मेरा टारगेट था कि मेरा टारगेट था कि घंटा और मैक्सिमम जाता तो ऐसे केसेस में, हाँ ऐसे केसेस में यहाँ एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स के अंदर में आपको लाइन दे सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका मिन लाइन, तो मिन लाइन को जब ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सम ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग एक मिनिमम लाइन यहाँ पे ऐड कर देता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है आपका मैक्स लाइन, आपकी बात पे भी आता हूँ, मैं दिखा देता हूँ मैक्स लाइन, तो ये मैक्सिमम लाइन ऐड कर देगा, ठीक है। सर एक मिनट, इसमें बहुत जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे को ये पढ़ने को नहीं आ रहा, नीचे का जो कंट्री सिटी जो है, मतलब 5 सिटी अगर रखेंगे तो अपने को ग्राफ अच्छा दिख के आएगा, क्योंकि लास्ट का जो दिख रहा है 15-20 तो वो स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मिनिमम लाइन ऐड किया तो देखिए मिनिमम लाइन ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद इसमें एवरेज लाइन होता है, तो एवरेज सेल के अकॉर्डिंग देखिए इसके साथ एवरेज लाइन, इसका पूरे का एवरेज निकाला सेल्स का, और एवरेज के हिसाब से इसने डाल दिया कि एवरेज जो है आपका ये रहा 20K के आसपास है, वो एवरेज है, एवरेज लाइन मिलेगा आपको। एवरेज लाइन, अगर एवरेज लाइन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक चीज और आता है मीडियन लाइन, ये आपको मीडियन लाइन निकाल के दे देगा, मीडियन निकालेगा, मीडियन का फॉर्मूला और मीडियन के हिसाब से यूज करेगा। फिर आता है परसेंटाइल लाइन, ये परसेंटाइल लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन दे देगा, ठीक है। लेकिन आप जो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे पास है कि हाँ भाई, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने 3K सेल किया तो मेरे लिए प्रीमियम कस्टमर है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे एड लाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अमाउंट दे सकते हैं कि दैट इज 3,000, 3,000 पर आएगा, ठीक है। ये चाहते हैं, मैं रेंज लेना चाहता हूँ, जैसे कि अगर 2,500 से 3,500 के बीच में रहा तो 3,000 अगर 3,000 से अगर मे बी की एबव है तो अगर वो मेरा प्रीमियम आपने यहाँ पे ये ऐसे बिटवीन नहीं दे सकते, एक फिगर दे सकते हैं आप, अच्छा ठीक है भाई। ठीक है।
या एफएक्स पे अगर मैं जाऊं तो शायद यहां हो सकता है सम ऑफ द वैल्यू सम ऑफ द क्वांटिटी, तो ये आपका मैं यहाँ पे भी आप बस फॉर्मूले चेंज कर सकते हैं कि सम नहीं चाहिए मुझे एवरेज चाहिए, या मुझे यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम काउंट चाहिए, ठीक है आप ये डाल सकते हैं। ठीक है यहाँ पे आप मिनिमल वैल्यू डाल दीजिए, या फिर कैलकुलेशन करना है जैसे एवरेज कैलकुलेशन करना है, या फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन डाल सकते हैं आप, वो लाइनिंग आपको यहाँ पे आ जाएगी। ये एनालिटिक्स के अंदर होता है, तो एनालिटिक्स के अंदर जो फीचर्स हैं वो विजुलाइजेशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ओके अब इसमें अगला, अब देखिए ये जो दो चार्ट है बिल्कुल ये आपको दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग है 100%, और ये आपका स्टैक चार्ट। इसमें आता है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट में क्या होता है कि मुझे कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों चाहिए, मुझे कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना स्टेट ले ली कि मुझे स्टेट वाइज सेल चाहिए, और मैं स्टेट वाइज सेल चाहता हूँ, तो देखिए स्टेट वाइज मेरे लाइन चार्ट बन गए। अब मुझे कॉलम चार्ट बन गया, अब इसमें मुझे क्वांटिटी का रे चाहिए लाइन चाहिए, तो मैंने अपनी क्वांटिटी को या लाइन एक्सिस दिख रहा है उसको क्वांटिटी में डाल देता हूँ, या आपके क्वांटिटी का लाइन एक्सिस आ गया। या एलिमेंट डेटा दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ मान लीजिए मैंने कॉम्बो चार्ट लिया, इस कॉम्बो चार्ट में मैंने अपना प्रोडक्ट नेम डाल दिया कि प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गया, ये तो सेम प्रोडक्ट। ठीक है अब इस पे मुझे अपने प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट है नहीं इसमें प्रॉफिट, हाँ इसमें डिस्काउंट देखना है मुझे मान लीजिए, तो डिस्काउंट को मैं लाइन चार्ट में कर दिया तो डिस्काउंट की लाइन है, बट डिस्काउंट का कम था इसलिए यहाँ पे एक एक्सिस अलग बना दिया, सेकेंड एक्सिस बना दिया, अगर ज्यादा होता सेकेंड एक्सिस नहीं बना। अब मैं यहाँ शीट वन से लेता हूँ, शीट वन में मैंने अपने प्रोडक्ट लिए और अपने मान लीजिए कि ए ले लिया अमाउंट, तो हर प्रोडक्ट की क्या सेल हुई है यार, अब इसी में मुझे चाहिए इसका प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में लाइन रख में रख दिया, ये प्रॉफिट इसके लाइन में आ। ठीक है दोनों दोनों के फॉर्मूले में आपका बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इस तरह के लाइन चार्ट बना तो रहे, ये लाइन क्या सिग्निफाई लाइन सिग्निफाई कर लाइन देखिए ये हो गया हमारी सेल कि मैंने इतना सेल किया, ये हो गया मेरा प्रॉफिट कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, मतलब कि एक्सेस के अंदर मैंने तकरीबन जो है 18 मिलियन के आसपास सेल किया है, और उसमें मुझे जो है यहाँ पे 9 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इससे पता चल रहा है जैसे 20 मिलियन है, इससे पता चल रहा है कि मेरी जो प्रॉफिट है वो 50% के आसपास है, 45 to 50% के आसपास। इसको आप इस तरह से दो दो अलग अलग में दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। तो इस पे से सर इसमें परसेंटेज नहीं डाल सकते क्या प्रॉफिट का इंस्टेड ऑफ अमाउंट, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी डाल सकते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर आप इसके डेटा में जाते हैं तो ये आपका क्या है डेटा लेबल्स है। ठीक है तो डेटा लेबल्स में डेटा लेबल आया, अब चाहते हो कि इसके अंदर परसेंटेज वगैरह आया तो इसमें देखिए कोई ऐसा नहीं कैलकुलेशन। वो नहीं, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट का, हमने कैलकुलेशन दिया है परसेंटेज का, प्रॉफिट टेबल में है नीचे, हाँ प्रॉफिट में अमाउंट भी अभी नीचे प्रॉफिट परसेंटेज परसेंट है, ये अलग है, परसेंटेज नहीं में समझे आप, ये आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं डालूंगा तो ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन है डेटा में ना, हर एक सेल का प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये सारे प्रॉफिट सम कर देगा तो गलत हो जाएगा ना सर, कि इसका 82% है इसका 54% है, 54% का अमाउंट अलग है 82% का अमाउंट अलग है, दोनों का सम करके परसेंटेज अलग हो जाएगी। हाँ इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझे इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मेजर्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे अगर टोटल सेल, पहले आपको टोटल सेल्स का परसेंटेज निकालना होगा, यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं ना प्रॉफिट परसेंटेज, पी परसेंटेज निकाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सम, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट इस तरह के आपको बनाने पड़ेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट किसमें सीट के अंदर, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई सम ऑफ अमाउंट,
म्यूट करें, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। आ गया। अब इसको मान लीजिए कि मुझे अगर करना है कॉम्बो चार्ट चाहिए, तो कॉम्बो चार्ट लिया। कॉम्बो चार्ट में मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, सीट में मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट के अंदर मैंने अपनी अमाउंट डाला, अमाउंट डाला। अब इसपे मैं अगर प्रॉफिट परसेंटेज जो है पी परसेंटेज से कैलकुलेटेड है वो डालूंगा, तो यहाँ पे आए एक मिनट, पी क्वान्टिटी आ गई, पी परसेंटेज होगा ना, तो इसमें नहीं बनाया पी परसेंटेज, और किसी और ने बना दिया क्या? जीएसटी प्रॉफिट दोबारा बनाना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ इसमें करते हैं, इसमें सेलेक्ट कीजिए और इसके अंदर मेजर्स, मेजर्स के अंदर मुझे यहाँ देने होंगे पी परसेंटेज, यहाँ पे सम, सम ऑफ प्रॉफिट इसका, तो शीट वन का डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दी, पी, अच्छा पी परसेंट इसमें ऑलरेडी बता रहा है, तो एक काम करता हूँ पी, सिर्फ पी डाल दो, ए आ गया पी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कार्ड है। अब मैं इसमें यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रख दिया, प्रोडक्ट के अंदर मैं लाइन में पी रखता हूँ, लाइन आ रहा है, और इसमें अमाउंट अगर रख दिया कॉलम वाले में तो अमाउंट आ गई, तो ये आपको परसेंटेज दिखा रहा है 50%। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि फिर इन दोनों के एक्सिस जो दिख रहा है आपको, इसमें प्रॉब्लम आ गया ना सर, ये 50% पे नीचे नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कैलकुलेशन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें लाइन में दिखाना होता है, मुझे यहाँ पे परसेंटेज दिखाना है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे डेट जाएंगे डेटा लेबल में जाएंगे, यहाँ डेटा लेबल ऑन कर देंगे तो यहाँ आपको परसेंटेज दिखा देता है, पर परसेंटेज सही फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट के परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। अब देखिए आ गया परसेंटेज में सर, तो इस तरह से कैलकुलेटेड फील्ड डालने होते हैं, ठीक है। चलिए सीखिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम आगे की चीज के बारे में डिस्कस करेंगे।